सो हेलो गाइस, अगर आपके पास भी है रियलमी का C20 फोन और फ्रेंड जब आप उस फोन में गेम खेलते हैं तो गेम काफ़ी ज़्यादा लैग करता है, अच्छे से गेम खेलता नहीं है, तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की जो गेमिंग की प्रॉब्लम है उसे मैं फिक्स करने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजबल होने वाली है, तो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो की लाइक कर देगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर आगे भी इसी तरीके की नॉलेजबल वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए गाइस आज की वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइस गेम की लैग प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली जाना है अपनी फोन की सेटिंग में। जैसे आप अपनी फोन की सेटिंग में जाओगे तो गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दे नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एडिशनल सेटिंग का। जैसे ही आप एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करोगे तो गाइस आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, स्टोरेज, प्रोसेस मैनेजर, डेट एंड टाइम। तो गाइस आपको सिंपली स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे देख लेना है आपके फोन का स्टोरेज कितना है। अगर आपका फोन यहाँ तक भर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो, तो गाइस जब आप फोन को गेम खेलोगे तो गाइस तब तो आपका फोन लैग करेगा ही करेगा। और फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूँ इस प्रॉब्लम का फिक्स किस तरीके से करना है। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अदर का, आपको सिंपली अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो गाइस आप पहुंच जाओगे फोन की फाइल में। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे वायरस बन चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो इन सारे जो वायरस हैं इनको आप डिलीट कर सकते हो। और गाइस आपको दूसरी सेटिंग क्या करनी है वो चीज मैं आपको बता दूँ। आपको सिंपली इसमें जो किसी भी फाइल में जो जैसे कि अपने व्हाट्सएप जो मेरा व्हाट्सएप है आपको सिंपली इसमें जाना है, आपके फोन में जो भी फाइल आती है आपको सिंपली उस फाइल में जाना है। तो गाइस उस फाइल में किस तरीके से जाना है वो मैं आपको बता दूँ। आपको सिंपली अपनी फोन की जो फाइल मैनेजर है उसके थ्रू जाना है। जैसे आप उसके थ्रू जाओगे तो गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्टोरेज, जो फोन स्टोरेज का, आपको सिंपली फोन स्टोरेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फोन स्टोरेज पे क्लिक करोगे तो गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड का, तो गाइस आपको सिंपली एंड्रॉइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे डाटा का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस डाटा पे क्लिक कर देना है और आपके फोन में जो भी फालतू फाइल है आप यहाँ पे देख रहे होंगे इन सारी फाइलों को डिलीट कर देना है। इसी वजह से आपका जो जब भी आप फोन में गेम खेलते तभी इसी वजह से आपका जो फोन वो लैग करता है, आपका इसी वजह से आपका गेम लैग होता है। तो गाइस आपको सिंपली जो फालतू की फाइलें हैं आपको सिंपली इस तरीके से डिलीट कर देनी है, जिससे इन सारी फाइल जो फालतू फाइल हैं उन्हें डिलीट करने का गाइस आपका जो फोन में जो गेम खेलोगे फिर गेम लैग नहीं करेगा। आपको यहाँ पे अपने हिसाब से मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, तो अपने हिसाब से आपको सारी फाइलों को जो फालतू फाइल हैं उनको आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आप भी अच्छे से अच्छी तरीके से आप अपने फोन में जो रियलमी C20 फोन में अच्छे से गेम खेल सकोगे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो की एक लाइक जरूर कर दें, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आप लोगों इस चैनल पर इसी तरीके की नॉलेजबल वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही।